बायोग्राफी ऑफ खेसारी लाल यादव। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को खेसारी लाल यादव की बायोग्राफी बताने वाली हूं, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के उन सितारों में से एक हैं जो देर से चमके, लेकिन उनकी चमक लोग भूल नहीं पाएंगे। अभिनेता होने के साथ ही साथ वो एक लाजवाब गायक भी हैं। आँखों में बहुत से सपने लिए ये अभिनेता भी अपने मेहनत के दम पर फिल्मों में से एक मुकाम हासिल करने आए हैं और उन्होंने किया भी। 31 वर्ष के खेसारी लाल यादव का जन्म बिहार के छपरा जिले में हुआ, लेकिन वह निवास स्थान नहीं है। खेसारी लाल यादव के माता और पिता, उनके भाई बहन का नाम तो किसी को भी नहीं ज्ञात है, लेकिन इतना पता है कि वह एक किसान के बेटे हैं। खेसारी लाल यादव ने अपने स्कूल की पढ़ाई बिहार के ही एक स्कूल से की है और उनका कॉलेज भी बिहार से ही पूरा हुआ है। किसी को भी उनके स्कूल या कॉलेज का नाम ज्ञात नहीं है। एक छोटे से गांव से होने के बाद भी खेसारी ने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा और ना ही उस सपने को टूटने की कभी उम्मीद खोई। अब मैं आप लोगों को खेसारी लाल यादव की फिल्मी करियर के बारे में बताने वाली हूँ। खेसारी लाल यादव के फिल्मी सफ़र पर नज़र डालें तो उनका सफ़र बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। कदम कदम पर उन्हें अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनकी आदत कभी हार ना मानने वाली उन्हें यहां तक अभी ले आई है। खेसारी लाल ने साल 2011 में आई भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल से अपने सफ़र की शुरुआत की थी और उससे पहले संगीत एल्बम का नाम माल बेटे मेले से। खेसारी ने संगीत के ज़रिए अपना करियर शुरू किया और वह बहुत ही अच्छा गाना भी गाते हैं। दोस्तों, खेसारी ने संगीत के ज़रिए अपना सफ़र शुरू किया और उनके गाने लोगों को इतने ज़्यादा पसंद आने लगे कि वह अक्सर लोगों की ज़ुबान पर रहते हैं। दर्शकों और चाहने वालों से मिल रहे इसी प्यार की वजह से फिल्म निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में अभिनय करने का मौका दिया। खेसारी लाल को बस इसी मौके की तलाश थी और इसी के बाद अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने फिल्मों और संगीत की दुनिया में एक मुकाम हासिल किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज खेसारी के इतने चाहने वाले हैं कि उनकी फिल्म आने पर थिएटर में पहले से ही भीड़ हो जाती है और उनकी ज़्यादातर फिल्में सुपरहिट साबित होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे खेसारी लाल यादव के पर्सनल लाइफ के बारे में। तो खेसारी लाल के निजी ज़िंदगी की बात करें तो वो बेहद ही सरल और सुखद स्वभाव के हैं। वो हंसने हंसाने में विश्वास रखते हैं। वो बहुत ही मनमौजी इंसान है। अपने संघर्ष के दिनों में वह छोटे छोटे समारोह में गाना गा करके और डांस करके अपना खर्चा चलाते थे, लेकिन इतनी मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। खेसारी लाल विवाहित है, लेकिन उनकी पत्नी का नाम किसी को भी नहीं पता। उनके दो बच्चे भी हैं, एक बेटा और बेटी, और उनका नाम भी किसी को नहीं पता। पहले या तो वो किसी फिल्म में गाना गा लेते थे या केवल अभिनय करते थे, लेकिन वह अब अपनी ज़्यादातर फिल्मों में गाना भी गाते हैं और एक्टिंग भी करते हैं। उन्हें कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। खेसारी लाल ने साबित कर दिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। बात कर लेते हैं कि खेसारी लाल यादव को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। खेसारी लाल के पसंद नापसंद की बात करें तो उन्हें बिहारी खाना बेहद पसंद है। उन्हें गाना गाने और डांस करना भी बहुत पसंद है। वह अपने खाली समय में गाना सुनते हैं और लिरिक्स लिखते हैं और अपने परिवार के समय व्यतीत करना उन्हें बहुत पसंद है। अपने अभिनय से ज़्यादा वह लोगों को गाना सुनाने में पसंद करते हैं, क्योंकि वह अपने गानों के दम पर ही तो आज इतना कमा पाए हैं और उनका कहना है कि गायकी कभी नहीं छोड़ेंगे। इस पूरे सफ़र के दौरान खेसारी लाल यादव का नाम भोजपुरी की जानी मानी अदाकारा काजल रघवानी के साथ बार बार जोड़ा गया, पर यह अफवाहें काफ़ी चर्चा में भी थी कि खेसारी और काजल एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में हैं, और यह खबर तब आ रही थी जब खेसारी पहले से ही शादीशुदा थे। इन अफवाहों के बाद उन्होंने सबके सामने इस बात को साफ कर दिया कि उनके और काजल के बीच कुछ भी संबंध नहीं है। खेसारी एक लाजवाब अभिनेता हैं और जल्द ही हमें उनकी कुछ और बेहतरीन फिल्में और गाने देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।